तो भाई फाइनली हमारे आईफोन वाले भाई साहब आ चुके हैं और मैं अभी अपना पुराना फ़ोन एक्सचेंज कराने के लिए ले जा रहा हूँ उनके पास। अगर हो सकेगा तो आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा कि वो लोग क्या चेक करते हैं और फाइनल वैल्यू क्या कर रहे हैं, और आईफोन 11 मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि नहीं उनसे वो भी मैं बताऊँगा। तो लेट्स चलते हैं हमारा फ़ोन लेके, पुराना वाला, एक्चुअली मेरी जेब में ही है ये वाला फ़ोन ओप्पो का। स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं कुछ उस तरह से उसकी प्रोसेस होती है। जब आपको कॉल आएगा तो वो बोलेंगे आप आ जाइए, मतलब मैं आ गया हूँ लेकर आप एक्सचेंज करने के लिए, आप अपने साथ अपना मोबाइल लेकर आइए, अपना बॉक्स लेकर आइए, चार्जर लेकर आइए। तो मैं आप पहुंच जाएंगे तीनों चीज़ें लेकर, वहाँ पर एक नहीं दो बंदों से मुलाकात होगी। एक बंदा होगा जो फ्लिपकार्ट का नॉर्मल कुरियर गाय होगा और एक दूसरा बंदा होगा जो फ्लिपकार्ट ने इंजीनियर रखा होगा, वो चेक करेगा फोन को, उसका काम सिर्फ चेक करना है। दूसरे बंदे को वो हाँ बोलेगा कि हाँ भाई डन है, यस हो रहा है, ठीक है, डील हो रही है, डन, जो डील है ठीक है, पैसा ले रहे हैं ये बंदा या बंदा एक्सचेंज करा रहा है, इतने रुपए देने हैं या कुछ नहीं देना, उसके बाद ही वो बंदा अपने बैग से निकाल के आपको नया फोन देगा, वरना नहीं देने वाला। तो एक बात और बता दूं साथ ही साथ कि ये बंदा जो है जो चेक करेगा आपका फोन, उसके पास फुल पावर है। वो अगर बोलता है आपके मोबाइल पे ये लेफ्ट साइड पे छोटा सा दाग है, इसके कारण आपको डेंट में फोन गिना जाएगा कि ये फोन दाग वाला है डेंट वाला है, तो यस कुछ नहीं कर सकते आप, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट के पास भी कोई पावर नहीं है, फ्लिपकार्ट ने सपोर्ट में मुझे बोला था मैंने जब कॉल किया था कि वो भाई साहब जो भी आएंगे वो जो भी बोलेंगे वो फाइनल है, आपको लेना है लो फोन, नहीं लेना है वापस करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने उनको फोन दिया, उन्होंने सबसे पहले कवर उतार के रख दिया साइड में, उन्होंने सबसे पहले उसकी बाहर की बॉडी चेक करनी शुरू की, जो भी निशान दिखे सबको मिटाया, जितनी ताकत थी, ताकत नहीं मतलब जितना हल्का फुल्का प्रेस करके मिटाने की कोशिश की, उनको लग गया कि ये दाग है तो ठीक है। अगर उन्हें कैमरा वैमरा लेंस भी उन्होंने साफ किया, बट जब उन्हें लगा कि भाई कुछ दाग यहाँ पर है जो नहीं मिट रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि आपके मोबाइल में ये डेंट पड़े हुए हैं तो आपका कुछ पैसा यहाँ पर कट सकता है, कितना कटेगा वो अभी वो बाद में बताने वाला है, वो उन्होंने बोला अभी बाद में बताता हूँ, बट हाँ यहाँ पे उन्होंने मुझे कंफर्म भी किया। मैंने बोला मैंने, और हाँ आप लोगों को भी कुछ डाउट हो दो बार बोलने से घबराना मत कि हाँ भाई नहीं ये तो गलत है ये नहीं है, वो समझदार इंसान होगा तो आपको दिखाएगा अच्छी तरह से कि हाँ भाई ये देखो ये दाग है, दाग है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपसे कंफर्म भी कराएगा। मुझे कंफर्म कराया तो हाँ भाई मेरे पे थोड़ा सा दाग था, बट ऐसा दाग था कि मतलब चल जाए भाई, ऐसा था और कवर पे दिखता भी नहीं था। और हाँ एक बात और बता दूं, ये वीडियो मैंने बनाने से पहले उन दोनों लोगों से पूछा था, उन्होंने पहले तो ना बोला बट बाद में उन्होंने बोला ठीक है आप ले लो, कुछ देर बाद उन्होंने बोला ठीक है कि कोई फेस भी आ जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, मैंने बोला ठीक है फेस नहीं आएगा कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने मेरे से इंटरनेट मांगा, मैंने बोला इंटरनेट तो है नहीं मेरे पास, आप वाईफाई यूज कर लो अगर कनेक्ट हो रहा है, बट वाईफाई ऊपर तक कनेक्ट हुआ नहीं ऊपर से, तो उन्होंने अपने हॉटस्पॉट से वाईफाई कनेक्ट किया, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया फ्लिपकार्ट का, वो सॉफ्टवेयर के अंदर सारा आ जाता है, बॉडी वॉडी तो इनको चेक करना है, ये इंसान है आंखों से चेक कर लेंगे, बट अंदर के सॉफ्टवेयर का क्या हाल है वो जानने के लिए एप्लीकेशन काम आता है, कैमरा साउंड टच स्क्रीन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो उस एप्लीकेशन में पकड़ा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे बता रहे हैं कि भाई देखो आपके मोबाइल में ये दिक्कत है, मैं भी बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं ये तो देखो नीचे जो है वो गंदगी है, ऊपर भी जो है गंदगी है। फिर उन्होंने ये एक अजीब सी चीज बोली कि ये जो ये ओप्पो का मोबाइल है उसके पीछे जो ग्लॉसी फिनिश आता है ना उसके अंदर कुछ लिक्विड जैसा है, तो उन्होंने पूछा ये क्या है, मैंने बोला पता नहीं है सर डिजाइन जैसा है या ये दो तीन साल पुराना फोन हो गया तो वो अपने आप ही डिजाइन बन गई, तो उन्होंने बोला सर लिक्विड बन गया है ये अंदर से, तो अब उन्होंने ये तो नहीं बोला कटेंगे कि नहीं पैसे, बट उन्होंने ये दो चीजें अभी तक फाइंड की थी। सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया कुछ नहीं, उन्होंने उसके बाद अपना IMEI नंबर डाला, ओप्पो का मॉडल चुना जो हम लोग एक्सचेंज कराते वक्त करते हैं, अप्रूव हुआ तो मेरी डिटेल विटेल थोड़ी बहुत जो थी मतलब कि हाँ ये है एक्सचेंज है वो अपने आप ही आ जाता है तो उन्होंने डाल दिया। उसके बाद वहां पर कैमरा टेस्ट हुए ऑटोमेटिकली, उसके अंदर जो होता है वो कैमरा क्लिक करके वो उन्होंने देखा। उसके बाद एक अजीब सा टच स्क्रीन का एक गेम जैसा आता है, जब आपको सारे कॉर्नर्स स्क्रीन के टच करने होते हैं, मिडल लेफ्ट राइट सब कुछ, तो वो उन्होंने चेक किया। उसके बाद से वो टच स्क्रीन जो था वो पास हो गया, साउंड उन्होंने चेक कर लिया था तो साउंड टेस्ट भी पास कर गया था ये, तो जो सॉफ्टवेयर जो है वो ये सारी चीजें चेक करता है। प्रोसेस में आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने बोला कि आपका स्क्रीन गार्ड मुझे निकालना पड़ेगा, टफन गार्ड निकालना पड़ेगा, मैं निकाल सकता हूँ, मैंने बोला हाँ ठीक है ले जाना है तो निकाल दो भाई, तो उन्होंने निकालना शुरू किया, निकालते निकालते वो कुछ देर के लिए रुक गए और उन्होंने कुछ वर्ड यूज किया कि स्क्रीन टियर हो रहा है, मुझे एक्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ, टियर नहीं सर कुछ और वर्ड था, बट उन्होंने कहा कि स्क्रीन निकल रही है साथ में तो आपके स्क्रीन का भी इश्यू है, जो पूरा स्क्रीन है वो पूरा पूरा बाहर आ रहा, पूरा नहीं मतलब थोड़ा सा साइड से बाहर आ रहा है, और इस कारण से भी आई थिंक ये एक माइनस पॉइंट साबित होगा आपकी फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करने में। तो मैंने तो बोला भाई मैंने तो ऑब्जेक्ट किया कि यार मैं तो रोज यूज करता हूँ मुझे तो कभी दिखा नहीं है, उसका एक रीजन था हमेशा कवर रहता था और हमेशा वो साइड से उसके कॉर्नर को हाइड करके रखता था। दूसरी बात मैंने कभी स्क्रीन गार्ड निकालने का ना सोचा ना स्क्रीन गार्ड निकालने की किसी ने कोशिश की,
तो इस कारण से कभी उस तरफ नजर नहीं गई शायद। उन्होंने बोला मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं बाकी की प्रोसेस कर लूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या है कैसा है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वो बाकी की जो प्रोसेस है वो कैसे कर रहे हैं, वो कलर वाला कि कलर वलर चल रहे हैं कि नहीं, वो सारी चीजें भी यहाँ पे होती हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के साथ साथ उन्होंने जो फिजिकल कंडीशन थी उसके लिए तो अपने अपने मोबाइल में जो इस मोबाइल का फ्रंट का बैक का और दोनों साइड का फोटो ले लिया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप किसी कस्टमर से लेते हो तो उस समय उसकी क्या कंडीशन है उसका फोटो का प्रूफ रखना जरूरी है ताकि जब फ्लिपकार्ट तक पहुंचे तो उनको भी रहे कि हाँ भाई इस कंडीशन में था, मिला भी हमें उसी कंडीशन में है। तो अपने मोबाइल में ले रहे हैं, अब भाई मेरा मोबाइल खुद में तो फोटो खुद का फोटो तो ले नहीं पाता सेल्फी जैसा, तो क्या करें। उस एप्लीकेशन में फाइनल सबमिशन करने से पहले उन्होंने बोला कि यार अपना मुझे चार्जर दिखा दो और अपना बॉक्स दिखा दो ओरिजिनल। तो मैंने बॉक्स तो वहीं रखा था बट चार्जर में मेरी एक दिक्कत हो गई जो मुझे उसी वक्त पता लगी। मैं अभी तक ओप्पो के फोन में वीवो का चार्जर यूज कर रहा था, अब घर पे वीवो ओप्पो पोको है तो अब इनमें से किसका चार्जर किसके साथ कनेक्ट हो गया और कब कौन यूज कर रहा है ध्यान नहीं गया। तो उन्होंने बोला चार्जर तो आपका असली नहीं है, बट मेरे को लगता है सर चार्जर का कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता मुझे ऐसा लगता है। बट हाँ उन्होंने उस चीज का भी बोला कि अरे यार आपके पास ये भी नहीं है, बोला ठीक है कोई बात नहीं, अब जो डिटेल है वो मैं डालूंगा कि आपके पास चार्जर नहीं है बट बॉक्स आपके पास है। आप देख सकते हैं कि जो फाइनल वैल्यू है वो यहाँ मुझे दिखाते हुए 4900 रुपीज कीमत थी इसकी, 100 रुपए इनके आने का चार्ज था तो डिलीवरी पिकअप चार्ज होता है 100 रुपया तो 4800 रुपीज थी। अब यहाँ पर जो निकल के आई थी वो वैल्यू थी 2400 XX 50 रुपीज आई थिंक ऐसा कुछ था। तो मेरी जो फाइनल वैल्यू आई वो ये निकल के आई, बट क्या मैंने ये एक्सेप्ट की, क्या मैंने ये लिया 2400 के साथ गया, क्या मैंने आईफोन लिया, मेरे पास और भी ऑप्शन था अगर मान लो मैं नहीं लेता तो मैं पे कर सकता हूँ, मैंने क्या किया भाई, वो जानने के लिए आपको इस सीरीज का अगला एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी के लिए भाई इतना ही, सेकंड एपिसोड में जल्दी लाऊंगा, डोंट वरी। आईफोन लिया कि नहीं लिया, नहीं लिया तो क्या किया मैंने इनको और मैंने अपने पुराने फोन का क्या किया वो सब मैं आपको बताऊंगा।